उत्तराखंड में जल चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने खबर फास्ट के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी से खास बातचीत की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत कुछ दिनों में होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो खबर फास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं? चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण हमारा एक पड़ाव है और आने वाले समय में चार धाम यात्रा परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कई और विभागों के सामूहिक प्रयास से होनी है। इसमें जो हमारा परिवहन सेक्टर है, परिवहन सेक्टर में हमने इस बार लगभग 20,000 गाड़ियों को हम ग्रीन कार्ड दे रहे हैं और 90,000 हम ट्रिप कार्ड दे रहे हैं। लगभग 350 अतिरिक्त गाड़ियों का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। पिछले बार हमने केमू की गाड़ियां भी जोड़ी थी, इस बार हम केमू की गाड़ियों का भी संख्या बढ़ाएंगे और रोडवेज की कम से कम 100 गाड़ियां हम इस बार चारधाम यात्रा में पहली बार लगा रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस बार हम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्राइवर कंडक्टरों में पड़ता है, तो रोडवेज अपने पड़ाव बनाएगी, ड्राइवर कंडक्टर उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके बिस्तर की व्यवस्था, उनके आराम की व्यवस्था और ड्राइवर जब दो चक्कर काट के आएगा उनके वैकल्पिक रूप में कंडक्टरों की व्यवस्था और ड्राइवरों की व्यवस्था भी करने जा रही है। और हमारा ये प्रयास होगा कि उस पड़ाव में शौचालय हो, मेडिकल फैसिलिटी हो। हम प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वहाँ वैष्णव भोजन की व्यवस्था हो, बिस्तर की व्यवस्था हो और अस्थाई छोटे जो पेट्रोल पंप है अगर आवश्यकता पड़े तो हम उस स्थान पर पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास आपने बताया कि परिवहन विभाग जो है ये कार्य करने जा रहा है। हालांकि अगर ग्रीन कार्ड की बात करें तो ग्रीन कार्ड को लेकर अभी तक कितने बसों को ग्रीन कार्ड दे दिया गया है? पड़ावों की अगर आपने बात करी तो पड़ाव कहाँ कहाँ पर होंगे पूरी यात्रा में, उसके लिए कोई स्थान चयनित किया गया हो? चूँकि जहाँ जहाँ भी हमारे रोडवे स्टेशन है वहाँ हमारे बसों को जगह नहीं मिलती है, इसलिए जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें हम कम आबादी वाले क्षेत्रों को भी हम चिन्हित करने जा रहे हैं। पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो केदारनाथ रूट पर और यमुनोत्री रूट पर है, वहाँ पैदल पड़ाव भी है, तो पैदल पड़ाव जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ हम ये सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। हम आरटीओ की चौकियों के माध्यम से, छोटे छोटे यूनिटों के माध्यम से हम इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं और चिन्हीकरण का काम हमारे विभाग ने कर दिया है। और हमने जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जैसे NH है, PWD है, BRO है, उनको ब्लैक स्पॉटों को ठीक करने का काम, गड्ढा मुक्त करने का काम और जहां डिवाइडर वगैरह लगने हैं ये करने के निर्देश देती हैं। और 10 तारीख को मैं रोड सेफ्टी की बैठक करने जा रहा हूं प्रदेश में, उसमें सभी कार्यदायी संस्था, पुलिस की व्यवस्था और जहां हमारे पार्किंग व्यवस्था होगी इसको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो लंबा जाम लगता है तो लंबे जाम को रोकने के लिए हम पहले ज़िले में उनको रोकने की व्यवस्था करेंगे और ताकि अगले ज़िले में जहां हमारा पड़ाव हो वहां जाम न लगे, लोगों को असुविधा न हो। पहली प्रायोरिटी हमारी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, दुर्घटनाओं को रोकना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और मेरा मानना है कि इस बार, चूँकि पिछले बार लगभग 45 लाख हमारे वहाँ यात्री आए थे, इस बार 50 लाख से नीचे यात्री नहीं आएंगे, तो सब विभागों का सामूहिक प्रयास होगा और ख़ासकर परिवहन विभाग का कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो ऐतिहासिक होगी, निष्कंटक होगी, सुविधाजनक होगी
और लोगों की जान माल की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने में हम सक्षम होंगे, ऐसे मेरे विभाग का भी प्रयास है। अच्छा, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग को देखा जाता है अमूमन जब ऋषिकेश पड़ाव से शुरू होती है यात्रा, तो रास्ते में दिक्कतें का काफी सामना करना पड़ता है क्योंकि चेकिंग पोस्ट होते हैं। तो क्या इस बार चेकिंग पोस्टों को कुछ बढ़ाया गया या फिर जो पहला पड़ाव ऋषिकेश होगा उसके बाद ही चेकिंग यहाँ पर की जाएगी या रास्ते में कहीं और व्यवस्थाएं की जा रही है? पिछली बार कई जगह ऐसे चेकिंग पोस्ट बना दी जहाँ नेट की सुविधा नहीं थी, तो इस बार हमने पहले चिन्हीकरण कर रखा है जहाँ पर नेट की सुविधा है, क्योंकि हमको ग्रीन कार्ड देखने हैं, हमको ट्रिप कार्ड देखने हैं, चेकिंग पॉइंट देखने हैं, तो इस बार हम बढ़ा रहे हैं, घटाएंगे नहीं। जो हमने पिछली बार जो अपने चेक पोस्ट ख़त्म करी थी उनको हम चार धाम यात्रा में बहाल करेंगे। अच्छा, हरिद्वार ऋषिकेश की बात करते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश जो मुख्य पड़ाव है यात्रा का, क्योंकि बाहर की गाड़ियां भी आती हैं, तो उनके जो ग्रीन कार्ड चेक होने हैं या फिर उनके जो ग्रीन कार्ड वहीं से बनाकर लाएंगे उनको हरिद्वार में उत्तराखंड का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, तो उसके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? बिल्कुल, ऋषिकेश में इसके लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। वहाँ फिटनेस भी होंगे, वहाँ हमारे ग्रीन कार्ड भी बनेंगे, और जो आपके ट्रिप कार्ड हैं वो तो ट्रिप कार्ड तो जैसे जैसे गाड़ियां चलेंगी, वो चाहे हरिद्वार से चलेंगी, वो चाहे रुड़की से चलेंगी, ऋषिकेश से चलेंगी, उनके ट्रिप कार्ड वहीं से बनेंगे। अच्छा, बुजुर्गों के लिए क्या कोई खास योजना इस बार यात्रा में की जा रही है? बुजुर्गों के लिए अलग से योजना बनाने की बात चल रही है, मगर मेरा मानना है कि अभी चार धाम यात्रा के लिए बुजुर्गों के लिए अलग से योजना बनाने में दिक्कत होगी। जो हमारी पर्यटन विभाग की जो योजना पहले से चलती है उसको हम क्रियान्वित करेंगे, मगर वो चारधाम यात्रा की बात करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंद्रनाथ दास जी, जिन्होंने खबरफास्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि जो चारधाम यात्रा होने वाली है उस पर किस प्रकार से परिवहन डिपार्टमेंट अभी से कार्यों को करने जा रहा है, किन किन तैयारियों में परिवहन विभाग जुट चुका है, उस बारे में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी उनके द्वारा दी गई है। अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून।